नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेजी से शुरू हो गई है। इसी बीच जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा गांव के पास मंगलवार को बाइक सवार बदमाशों ने मखमेलपुर के ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्राम प्रधान की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। हत्या से नाराज लोगों ने ग्राम प्रधान के शव को सड़क पर रखकर पहले तो चक्का जाम किया और फिर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ के गुस्से को देखकर पुलिस भी मौके से उल्टे पैर भागती नजर आई। देखें ये रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक सौंधी शाहगंज ब्लॉक के मखमेलपुर गांव के ग्राम प्रधान राजकुमार यादव अपनी बाइक से जौनपुर की तरफ आ रहे थे। सराय ख्वाजा गांव के कंपोजिट विद्यालय के पास पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया और फिर कनपट्टी के पास बंदूक रखकर गोली मार दी। इससे घटना स्थल पर ही राजकुमार की मौत हो गई। घटना की सूचना पर तीन थानों की पुलिस व सीओ मौके पर पहुंच गए। राजकुमार के सिर, पेट व सीने में गोली लगी और उनकी वहीं मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को थाने ले जाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। शव को उतारकर वाहन को पलट दिया और तोड़फोड़ करने लगे। इसमें एसआई धर्मदेव सिंह व कांस्टेबल राहुल को चोटें आईं। सराय ख्वाजा एसओ दिग्विजय सिंह भी पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने उनके वाहन पर भी पथराव कर दिया। भीड़ का गुस्सा देखकर पुलिस ने वहां से भागकर खुद को बचाया। ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जौनपुर के एसपी राजकरण नैयर ने बताया कि ग्राम प्रधान की हत्या में शामिल बदमाशों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करेगी। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की बातें सामने आ रही हैं। जल्द ही पुलिस घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार करेगी। सराय थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत आज दोपहर लगभग 3 बजे करीब एक श्री राजकुमार जी जो कि ग्राम प्रधान हैं उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में परिवार के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार थाना सराय ख्वाजा में मुकदमा अपराध संख्या 53/2021 धारा 302 120B के तहत दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 2 लोग नामजद किए गए हैं। नामजदों की गिरफ्तारी करने के लिए 6 अलग अलग थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीमें बना दी गई हैं और सर्विलांस सेल और अन्य टीमों को लगा करके इसका जल्द खुलासा किया जा रहा है। एडिशनल SP ग्रामीण SP आर एस साहब जो हैं उस समय तुरंत सभी टीमों का नेतृत्व करके उनको जल्दी अरेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं और उनकी अपनी एक अलग से टीम बनाई गई है जो कि रात रात में अलग जगह पर दबिश देकर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है, आगे जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। ग्राम प्रधान राजकुमार यादव की हत्या के मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC News हिंदी।